व्रत के समय तो अवश्य होना चाहिए और ये सारी क्रिया सारा प्रकरण सारी विधि तब पूरी होती है
जब हृदय में उसके प्रति अनुराग हो, हृदय में उसका स्थान हो। मनुष्य का एक स्वभाव है कि उसके मन में जिसके प्रति स्थान हो वो उसको किसी ना किसी तरह से वो निभा देता है। तो प्रेम होना चाहिए, प्रेम हो तो हरि भजन से प्रेम होना चाहिए। प्रेम की कमी के कारण हमारा दैनिक जीवन भी सार्थक नहीं होता। प्रेम की कमी के कारण हमारे बच्चे भी हमसे खुश नहीं होते। प्रेम की कमी के कारण हमारा भाईचारा भी ठीक से नहीं निभाता। और प्रेम की कमी के कारण हम अपने कर्मों से कभी संतुष्ट नहीं रहते। प्रेम की कमी के कारण हमें ऐसा लगता है भगवान हमारे साथ कम है। प्रेम बिना प्रभु भी नहीं मिलते। प्रेम बहुत अलौकिक चीज है, प्रेम बहुत दुर्लभ चीज है। और सच कहें तो प्रेम बहुत पावन और पवित्र चीज है। तो प्रेम हो तो हरि भजन से प्रेम होना चाहिए। प्रेम के कारण हमारे दैनिक जीवन के क्रम पूरे हो जाते हैं। प्रेम के कारण हमारे शरीर का प्रयास सफल होता है। प्रेम के कारण परिवार में हमारा सम्मान बना होता है। प्रेम के कारण हमारी पूजा आराधना का फल प्राप्त होता है। इसलिए जीवन में धन हो चाहे ना हो, परिवार हो चाहे ना हो, प्रतिष्ठा हो चाहे ना हो, लेकिन प्रेम अवश्य होना चाहिए। कितने कितने लोगों के जीवन में परिवार था ही। मीरा की केरी देख लो, शेबरी को देख लो, अहिल्याबाई, सहजोबाई, जनाबाई, कर्माबाई, भगवान से प्रेम का संबंध रखता हुआ है। आज उनका नाम अमर है। एक दिन एक महिला ने अपने घर के बाहर देखा तो तीन महात्मा खड़े थे। महिला ने दरवाजा खोला और प्रणाम किया, महात्मा जी आप लोग धूप में खड़े हैं, दोपहर का समय हो रहा है, आप अंदर आ जाएं, आपके आशीर्वाद से हमारा घर बड़ा है, बरामदा है, कूलर लगा है, पानी पीने का है, सोफा बैठने का, अंदर आ जाओ और भोजन का समय है, मेरे घर में भोजन भी बना हुआ है। महात्माओं ने कहा बेटी तेरे घर में तेरे पति देवता हैं, ध्यान से सुनना मेरा। उस देवी ने कहा महाराज वो तो काम पे गए हैं, वो तो नहीं है, मैं अकेली हूं। महात्माओं ने कहा बेटी हम तब जाएंगे घर में जब तेरे पति देवता आ जाएंगे, तो तब तक वही खड़े हैं। कुछ समय बीता और जब पति देवता घर में आए तो पत्नी ने उनसे बात बताई कि ऐसे महात्मा खड़े हैं तीन, और मैंने तो हाथ भी जोड़ा, लेकिन वो कहते जब तुम्हारे पति देवता आएंगे तब बुलाना, तब आएंगे घर में भोजन करने के लिए। तो पति बड़ा प्रभावित हुआ, अच्छा जाओ जाओ, जरूर कोई अच्छे महात्मा है, जाओ उनको बुलाओ बड़े प्यार से, हम उनको प्रणाम करेंगे, भोजन कराएंगे, जाओ बुला के ले आओ। अब वो देवी जब उनको बुलाने के लिए गई, महाराज आइए भोजन के लिए, तो संत बोले बेटी हम तीन लोग हैं
और तीनों एक साथ किसी के घर में आज तक हम कभी गए नहीं, कभी रहे नहीं। तो वो महिला ने कहा, बड़ी अजीब बात है, एक साथ खड़े हो आप यहाँ पर और मेरे घर में भोजन के लिए भी आप एक साथ जाने को तैयार नहीं हो, तो कारण क्या है? तो एक संत ने कहा, देवी मेरा नाम है धन। क्या नाम है? धन। दूसरे की ओर देखा तो उसने कहा, देवी मेरा नाम है सफलता। और जब तीसरे की तरफ हाथ जोड़ा तो उसने कहा, मेरा नाम है प्रेम। तीन महात्मा है, एक प्रेम, एक सफलता और एक धन। एक धन। तो हम तीनों एक साथ कभी भी किसी के घर में नहीं जाते, हमें से एक जाता है। तो अब आप बताओ या घर में सलाह करके आओ कि आप कौन से महात्मा जी को बुलाना चाहते हो। तो वो देवी घर में गई और उसने अपने पति को बोला जाकर कि ये ऐसे ऐसे बाहर समस्या बनी है। तो पति ने कहा, धन को बुला लेना चाहिए, क्योंकि धन घर में हो तो सब कुछ ठीक रहता है, खाने पीने का साधन बना रहता है, घर में आए गए का स्वागत सत्कार करना भी बहुत आसान हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो धन को बुलाना चाहिए, बाकी तू सोच ले, तू सोच ले। तो उस देवी ने कहा, धन तो ठीक है, पर मैंने पहले भी देखा कि तुमने बहुत धन लगाया कारोबार में, पर औरत के काम में इतने पैसे बर्बाद कर दिए, कोई लाभ नहीं हुआ। फिर तुमने कपड़े का काम किया, उसमें कितने पैसे बर्बाद कर दिए, वो भी ठीक से नहीं चला। तो मेरे हिसाब से तो सफलता को बुलाना चाहिए, ताकि हमारा जीवन, हमारे घर का संपूर्ण परिश्रम सफल होता रहे। तो बगल के कमरे में उनकी बेटी थी 12 वर्ष की, वो अपने माता पिता की बात को, अपने माता पिता के संवाद को सुन रही थी। और वो बाहर आई तो उसने कहा, मम्मी जी ऐसा सच में है कि आप बिल्कुल बाहर खड़े हैं, तीन संत हैं, तीनों की ये स्थिति है। हाँ बेटा तुम आई गए हो तो तू भी बता, तेरे पापा को कह रहे धन को बुलाना और मेरा मन करता सफलता को बुलाना, तो तू बता हम दोनों में कौन ठीक है, किसको बुलाएं? तो बेटी ने कहा कि मम्मी जी मेरे हिसाब से तो प्रेम को बुलाना चाहिए, मेरे हिसाब से तो प्रेम को बुलाना चाहिए, प्रेम से बढ़कर संसार में कोई कामयाबी नहीं है और प्रेम से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। तो जैसे ही वो महिला ने बेटी की बात मानी और बाहर आई तो बाहर आकर कहा, महाराज जी आप में से प्रेम कौन है? तो कहा, ये वाले महात्मा जी हैं। कहा, आपको मेरी बिटिया ने कहा है कि प्रेम महात्मा जी को घर में भोजन के लिए बुलाया जाए। तो जैसे वो चले तो पीछे पीछे धन भी चल पड़ा, उसके पीछे सफलता भी चल पड़ी। तो उस देवी ने पीछे देखा, कहा, मैंने तो एक महात्मा जी को बुलाया था और आपने कहा था कि किसी के घर में हम तीनों एक साथ नहीं जाते, लेकिन आप तो तीनों के तीनों मेरे घर में आ रहे हो। तो धन और सफलता ने कहा कि देवी यदि तूने धन को बुलाया होता तो केवल धन जाता
यदि सफलता को बुलाया होता तो केवल सफलता ही जाता, लेकिन तूने तो प्रेम को बुलाया, प्रेम को बुलाया, और जहाँ प्रेम होगा वहाँ तो धन भी होगा, वहाँ तो सफलता भी होगा, वहाँ कामयाबी होगी और वहाँ पीसफुल होगा, वहाँ पर संपन्नता होगी, वहाँ पर भाईचारा होगा, वहाँ पर एक दूसरे का मान और सम्मान रहेगा। तो इस प्रकार से प्रेम बहुत अद्भुत चीज है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। प्रेम जीवन का आभूषण है। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, देह बन गया देवाले और मन महंत हो गया। इसलिए दौलत की चाह करने वाले प्रेम की चाह करनी चाहिए। मेरे घर में प्रेम रहे। कोई बड़े कोई बुजुर्ग घर में आते हैं तो चलते समय वो भी आशीर्वाद देते हैं, अच्छा बच्चों प्यार से रहना, प्यार से रहना। कोई संत महात्मा भी घर में आ जाए वो भी आशीर्वाद देके जाते हैं, बेटा बहुत भाव से तुमने सेवा किया है, ये प्यार ये भावना बना के रहना, प्रेम से रहना। जितने भी श्रेष्ठ हैं हमारे जीवन में सब हमको प्रेम से ही देखना चाहते हैं। तो प्रेम के कारण जीवन में श्रद्धा बनती है, प्रेम के कारण विनम्रता आती है, प्रेम के कारण योग्यता आती है, और प्रेम के प्रभाव से हमारे जीवन में सद्गुण का निवास होता है। इसलिए हम कई बार कथाओं में कहते हैं कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहूँ गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम ऐसा पदार्थ है, प्रेम ऐसी पूंजी है। प्रेम मन में हो तो आप व्रत का निर्वाह कर सकते हो, प्रेम आपके अंदर है आप दूसरे को सहयोग दे सकते हो, प्रेम आपके अंदर है आपके घर में गोविंद का प्राकट्य हो सकता है, प्रेम आप में है तो आपके हृदय में सदगुरु का दिया हुआ नाम प्रकाशमान हो सकता है। केवल प्रेम की कमी। तो सुखदेव जी कहते राजन महाराज अम्बरीश के अंदर प्रेम की प्रधानता के कारण उनका चित्त भगवान के चरणों में समर्पित है। सभी मन कृष्ण पादारविंदयो वचांश वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरीर मंदिर मार्जनादिश श्रुतिं चकार अच्युत सत्कथोदये। व्रत के दिन मंदिर में जाना या व्रत के दिन अपने घर में जो मंदिर बना हुआ है उसको संभालना सजाना। आज एकादशी है, आज ठाकुर जी को नवीन वस्त्र देंगे। आज इतने बड़े पर्व का दिन है, आज अपने गुरुदेव भगवान जिनकी आरती उतारते नए आभूषण सजाएंगे। ये जिसको बोलते हैं अनुराग, ये अनुराग है। तो सभी मन कृष्ण पादारविंदयो और क्या करते हैं, करो हरीर मंदिर मार्जनादिश। महाराज अम्बरीश इतने बड़े राजा होकर के जहां भगवान जी को बिठाया है, जहां मंदिर बनाया है,
वहाँ झाड़ू स्वयं लगाते हैं मंदिर में, झाड़ू स्वयं लगाते हैं। ये हमारे सनातन की पवित्रता तो देखिए, हम झाड़ू लगाने वाले को बहुत हे दृष्टि से देखते हैं। मंदिर की शुद्धता ये आवश्यक, केवल हम नहा लिए, कपड़े बदल लिए, शकरकंदी का हलवा खा लिया, ये हमारा व्रत नहीं हुआ। आजकल भागवत की कथा चल रही है, आपको जाने से पहले, खाने से पहले कहाँ केले का छिलका पड़ा है, कहाँ कोई डस्टबिन में कुछ ऐसा हो रखा, आपको वहाँ हाथ लगाना चाहिए। कथा सुनना तो कानों का काम है, हाथों का परिश्रम। हमारे मंदिर में संत आए हुए हैं, हमारे मंदिर में कथा व्यास ठहरे हुए हैं, यहाँ डस्टबिन ओवर हो रहा है, यहाँ गंदगी फैल रही है, ये मंदिर में आने वालों के लिए शोभा नहीं है। हमारे शरीर का क्रीम पाउडर किसी काम का नहीं है यदि हमारे अंदर सेवा भाव नहीं हुआ। गेट के अंदर आते ही बजाय पंडित जी को टोके, बजाय पुजारी जी को डांटे, वो हमारा काम है। ये पता नहीं टूटी चप्पल कोई छोड़ गया गेट पे, आपने उठाया डस्टबिन में डाल दिया, ये कल की बची हुई सब्जी किसने यहाँ गिर दिया है। आप जल चढ़ाने के लिए आए हो, आपने अपनी टोकरी टेबल पे रख दिया, आपने लोटा टेबल पे रख दिया, और जल चढ़ाने से पहले आपने गिरी हुई सब्जी को उठा लिया, तो भगवान शंकर ने तुम्हारे हाथ से जल पहले ही चढ़वा लिया, क्योंकि हमारे अंदर सेवा भाव ज्यादा है। प्रायः करके सनातन धर्म के मंदिर में आने वाले लोग पूजा पाठ कम करते हैं और गंदगी ज्यादा डाल के जाते हैं। यहाँ पानी छिड़क के जाएंगे, वहां फूल गिरा के जाएंगे, प्रसाद खाएंगे, छिलका उधर गिर के जाएंगे, और हम ही लोग क्रिटिसाइज करते हैं अपने मंदिरों का। उसे जैसी बड़ी सफाई, गुरुद्वारे च जैसी मजारे को एक तिनका भी पैदा हो, और मंदिर में आते हो बुरा मत मानना, वहां चाहे अरबपति भी आएगा और वो भी ऐसे करके चुन्नी कपड़ा शरीर को ढकना, और मंदिर में हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाने हमारी बेटियां आती हैं, हमारे बच्चे आते हैं, करते हुए शर्म आती है। माता पिता को तो जमीन कर दिया, कम से कम देवी देवताओं की मर्यादा तो बनी रहे। अब जो टोके वही दुश्मन बन गया। पंडित जी ने कहा, पंडित जी के पीछे पड़ गया, सारा परिवार पड़ गया, तो उसी कौन होंगे सारे बच्चे अनुमोलन वाले। लेकिन गुरुद्वारे में वहां हिम्मत नहीं है, वहां नहीं हिम्मत है किसी की बोलने की, सिर भी थका होगा, शरीर भी पगड़ होगा, पूरे मर्यादा के साथ आ जाते। ये परमात्मा का दरबार है और इसकी शुद्धता पवित्रता जितनी बनी रहेगी उतने हमारे अंतःकरण का, अंतर का प्रकाश होगा, अंतर के नाम का, सेवा का, दान पुण्य का प्रभाव हमें हमारी आंखों से दिखाई पड़ेगा। इसलिए लंगर बड़े प्यार से खाओ पर गंदगी डाल के मत जाओ। तो पीजी में रहने वाले बच्चे तुम्हारे जूठे बर्तन धो के जाते रात को, बताओ रात खड़का था, सारे घर में खड़क खड़क बर्तन हो रहे थे, मैंने कहा कहाँ से आवाज आ रही है, हमने कहा कोई वर्कर होंगे, कोई कौन है, तो पंडित जी ने कहा मारे की जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो पढ़ने वाले बच्चे यहाँ बर्तन मल रहे हैं अंदर के। मेरा मन इतना खुश हुआ, धन्य है वो बच्चे जिनके रहने का ठिकाना नहीं, एक एक कमरे में चार चार बच्चे रह रहे हैं, उन बच्चों में कम से कम इतना तो भाव आया कि हमने मंदिर की रोटी खाई है
चलो दो पतीला साफ करके जाएंगे, दो बाल्टी धो के जाएंगे, हमसे तो वो बच्चे अच्छे हैं ना। केवल अगरबत्ती जलाने से मेरा कन्हैया खुश नहीं होता कभी, केवल फूल चढ़ाने से मेरे ठाकुर खुश नहीं होते कभी, केवल दिया जलाने से मेरी अन्नपूर्णा मेरी दुर्गा माता कभी खुश नहीं होती। यदि हम चित्त के अंदर हमारा मंदिर के प्रति भाव नहीं है, स्थान के प्रति श्रद्धा नहीं है, ये सब चीजें हमारे पूजा के पार्ट है। शुद्धता बनी रहे, पवित्रता बनी रहे, मर्यादा बनी रहे, डिसिप्लिन बना रहे, आकर्षण होगा धर्म स्थान का। राजा होने पर भी वो झाड़ू लगा रहे, करो हरेर मंदिर मानो, झाड़ू पोछा लगा। और यहाँ तक महात्मा लोग कहते हैं कि जो भगवान के लिए भोग बनाया जाता था, उस भगवान के भोग में जो 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 अन्न जो चपाती बनती थी, उस चपाती के लिए गेहूं महाराज स्वयं पीसते थे, चक्की से, हाथ की चक्की से महाराज गेहूं पीसते थे। इस आटे से ठाकुर जी को द्वादशी के पारण का भोग की थाली सजाएंगे अपने हाथ। एक संत सुना रहे थे कि महाराज चक्की पीस रहे थे, तो चक्की पीसने में तो जोर लगता है ना, चक्की से निकले हुए